रामकृष्ण परमहंस के प्रेरक प्रसंग। जल और बर्फ। उपेंद्र नाथ विज्ञान के जानकार थे। जब उन्होंने पहली बार रामकृष्ण परमहंस से भेंट की तो उनके मन में कई शंकाएं उठ रही थी। स्वामी जी के एक शिष्य ने उपेंद्र नाथ से पूछा, आप पहली बार स्वामी जी से मिल रहे हैं, अतः उनसे क्या पूछेंगे? उन्होंने कहा, मैं उनसे अपने तीन प्रश्नों के उत्तर पूछूंगा। जब उपेंद्र स्वामी जी के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने बड़े साहस के साथ पूछा, महाराज ईश्वर साकार है या निराकार? स्वामी जी प्रश्नों के उत्तर पूछने वाले की रुचि और योग्यता के अनुसार ही दिया करते थे। वे बोले, ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं। उपेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, दो विपरीत भाव एक कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक साथ साकार और निराकार दोनों कैसे हो सकता है? स्वामी जी ने कहा, जैसे जल और बर्फ। जल का अपना कोई आकार नहीं होता, किंतु वह जिस पात्र में डालकर जमा दिया जाए वही आकार ग्रहण कर लेता है। उपेंद्र उत्तर सुनकर आनंदित हो गए। उन्हें विज्ञान की जानकारी थी, अतः और विस्तार से उत्तर देने की आवश्यकता ही न पड़ी। इसके बाद उन्होंने कोई और प्रश्न नहीं पूछा और स्वामी जी को प्रणाम करके विदा ले ली। जब वे बाहर आ गए तो उसी भक्त ने पूछा, आपने तो तीन प्रश्न पूछने की बात कही थी, परंतु एक ही प्रश्न पूछकर क्यों उड़ गए? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि उस एक उत्तर में ही मेरे बाकी के दोनों प्रश्नों का भी उत्तर छुपा हुआ था। इस प्रसंग से यह प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर वह परम शक्ति है जो आकार और निराकार से परे है।